अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर हेयर फॉर द चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस। बेटा, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट ईयर की बुक में आपका लास्ट चैप्टर है जो कि हमने शुरू किया है अभी। सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे बात करें बेटा, तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। कोई ऐसी होमोजेनियस मिक्सचर जिसको हासिल करने के लिए होमोजेनियस मीन्स सेम लुकिंग, एक नजर आए, जैसे दूध वाला दूध में पानी मिला के लाता है, पता ही नहीं चलता दूध कितना पानी कितना। अब ये होमोजेनियस मिक्सर है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरह से मिक्स हो जाएं कि पता ही ना चले कि सॉल्यूट कहाँ गया, सॉल्वेंट कहाँ गया, दोनों चीज़ें एक हो जाएं। रूह अफ़ज़ा शरबत पानी में मिला दिया, जाम शीरी शरबत पानी में मिला दिया, सेम लुकिंग होमोजेनियस मिक्सर बन गई। दूध में पानी मिला दिया, ये होमोजेनियस मिक्सर बन गई। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सर व्हिच इज ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट आप उस चीज को कहते हो जिसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है। The substance which is to be dissolved into the solvent is called a solute. मिसाल के तौर पे आपने एक चम्मच चीनी का पानी में मिला दिया, एक चम्मच ग्लूकोज का पानी में मिला दिया, एक चम्मच टैंक का पानी में मिला दिया, एक चम्मच नमक का पानी में मिला दिया, तो ये चीनी, नमक, ग्लूकोज, टैंक, ये आपके सॉल्यूट हो गए। और याद रखिएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले में हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। सो सॉल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट। बेटा, सॉल्वेंट वो चीज़ जिसमें सॉल्यूट को डाल के डिसॉल्व किया जाए उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट की मिकदार सॉल्यूट के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा होती है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन दी लार्जर अमाउंट। मिसाल, ग्लूकोज को पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया, तो ग्लूकोज का काम सॉल्यूट का, पानी का काम सॉल्वेंट का। बेटा, मैटर की तीन स्टेट्स, गैस, लिक्विड, सॉलिड, डिपेंडिंग अपॉन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स। 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, तीन गैसेस स्टेट में, तीन लिक्विड स्टेट में और तीन सॉलिड स्टेट में। कैसे? सॉल्यूट भी लिक्विड ले लो, सॉल्वेंट भी लिक्विड ले लो, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। सॉल्यूट सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए, फिजिकल स्टेट विल बी लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट गैस ले लो, सॉल्वेंट लिक्विड ले लो, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट फिर भी लिक्विड। तो सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट चेंज करते चले जाओ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही रहे, फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्यूशन की लिक्विड रहेगी। इसी तरीके से सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, जाहिर है फिजिकल स्टेट सॉलिड। सॉल्यूट लिक्विड हो मगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो भी फिजिकल स्टेट सॉलिड, और सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, फिर भी लिक्विड स्टेट सॉलिड। जबकि तीन जो गैसेस सॉल्यूशन होंगे उसमें सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। बेहतरीन मिसाल एयर है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, तो वो सॉल्वेंट है, बाकी गैसेस सॉल्यूट का काम कर रही हैं। तो सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, सॉल्यूशन आपका गैस स्टेट में। सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट फिर गैस, तो आपका फिजिकल स्टेट फिर भी सॉल्यूशन का गैस। और सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट गैस, तो फिजिकल स्टेट फिर भी गैस। तो तीन फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की गैस होंगी, तीन लिक्विड होंगी, तीन सॉलिड्स होंगी। तो ये 9 तरह के सॉल्यूशन आप बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। बेटा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given amount of solvent is called concentration of solution. किसी भी solution में सॉल्यूट की मखसूस मकदार सॉल्वेंट की एक फिक्स्ड अमाउंट में डाल दो तो उससे आपको कंसनट्रेशन मिलेगी सॉल्यूशन की। कंसनट्रेशन की बुनियाद पर एक होता है डायल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसनट्रेट सॉल्यूशन। डायल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट निस्बतन कम होता है इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कंसनट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्यूट निस्बतन ज़्यादा होता है इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर 10 ग्राम नमक डाल दो 100 ml पानी में, और दूसरा एक कंटेनर लेके उसमें 20 ग्राम नमक डाल दो उसी 100 ml पानी में। अब 100 ml पानी में 10 ग्राम नमक है, 100 ml पानी में 20 ग्राम नमक है, जहाँ 10 ग्राम नमक है वो डायल्यूट सॉल्यूशन है, जहाँ 20 ग्राम नमक है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है।
The concentration of solution is nothing but the amount of solute present in the given amount of solvent. बेटा कंसंट्रेशन को दो तरह के यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक फिजिकल यूनिट्स, दूसरे केमिकल यूनिट्स। मैं पहले अगर फिजिकल यूनिट्स पे बात करूं तो आपकी किताब में परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशन की बताई हुई है फिजिकल यूनिट्स के हवाले से, और ये एमसीक्यू भी आ चुका है कई बार। मिसाल के तौर पर आपने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 90 ग्राम पानी में डाला, अब टोटल सॉल्यूशन का मास 100 हो गया और परसेंटेज 100 में से बनती है। 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास, जिसमें से सॉल्यूट का मास आपने 10 ग्राम रखा हुआ है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट के ऊपर रखेंगे, टोटल मास सॉल्यूशन का 100 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज सॉल्यूशन की 10% बनेगी। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, टोटल मास हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम में से सॉल्यूट आपका 10 ग्राम है, तो ये परसेंटेज आपकी सॉल्यूशन की 10% एक्वा सॉल्यूशन बनी NaOH। ये वाला MCQ आ चुका है 2-3-4 साल पहले, 2014 था, 15 था, बहरहाल ये चीज़ आ चुकी है कि भाई 5 ग्राम नमक के 95 ग्राम पानी में डाल दिए, 5 ग्राम नमक 95 ग्राम पानी में डाल दिए, टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम में से नमक आपका 5 ग्राम है, लिहाजा ये सॉल्यूशन आपका 5% एको सॉल्यूशन बना NaCl का। तो परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशन की आप टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम बनाओ, उसमें से जितने ग्राम आपने सॉल्यूट डाले हुए वो परसेंटेज सॉल्यूशन की आपकी बनेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा केमिकल यूनिट्स में आपकी किताब में 2 यूनिट्स मेंशन हुए हैं, एक मोलारिटी जिसको आप मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हो, कैपिटल एम से इसका सिंबलाइज करते हैं, और दूसरा मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम है और इसको मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मोलारिटी को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आप नंबर ऑफ मोल्स में लोगे, एंड दोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन द लीटर और डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलारिटी कैपिटल एम। मोलारिटी मैथमेटिकली इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन डीएम क्यूब और लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट इसका नंबर ऑफ मोल ऊपर है, डीएम क्यूब या लीटर नीचे, तो मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर इसका मेजरिंग यूनिट हुआ मोलारिटी का। इस पे आपको मैं भी प्रॉब्लम करता हूँ, कराता हूँ कि मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन की किस तरीके से मालूम की जाती है। Dear students, we are going to do few problems on the determination of molarity of solution. बेटा मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैसे मालूम की जाए, इस पर एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। इस सवाल में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम दिए गए और सॉल्यूशन जो आपने बनाया उसका वॉल्यूम आपको बताया गया 250 ml या सेंटीमीटर क्यूब बात एक ही है। आपसे इसकी मोलारिटी मालूम की जा रही है कि भाई बताओ मोलारिटी कितनी होगी। गिवन में आपके पास मास ऑफ NaOH 5 ग्राम है, मोलर मास NaOH का होता है 40 ग्राम, इसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ये आएगा 1/8, 1/8 का जवाब आएगा 0.125 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल NaOH के आपने बना लिए 0.125 मोल्स, जो कि आपने ऊपर रखने फार्मूला के हिसाब से। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको 250 ml दिया गया था, इसको लीटर या डीएम क्यूब में लाओगे तो 1000 ml से डिवाइड करोगे, 250 को 1000 से डिवाइड किया, आपका वॉल्यूम जो बना वो लीटर में या डीएम क्यूब में बना वो बना 0.25, लीटर कह लो डीएम क्यूब कह लो बात एक ही है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले थे 0.125 ऊपर रखे, डीएम क्यूब आपको मिला 0.25 नीचे रखा, ये 1, ये 2 यानी 1/2, 1/2 का मतलब है मोलारिटी सॉल्यूशन की आपकी 0.5 ml निकली। तो बेटा सॉल्यूट का मास आपको दिया गया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया था, आपसे मोलारिटी मांगी थी, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मोलारिटी। अब मोलारिटी आपको गिवन है, आपको मोलारिटी गिवन है, आपको वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का गिवन है, आपसे पूछा है बताओ इतने वॉल्यूम में इतनी मोलारिटी का सॉल्यूशन H2SO4 का बनाने के लिए आप H2SO4 का मास कितना यूज करोगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। यानी मोलारिटी आपको गिवन है 1 ml, आपको दी गई है 1 ml, आप
आपसे वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का आपको दिया गया 500 ml, जिसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 लीटर। आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का मास मांगा है कि इतनी मोलारिटी का इतना वॉल्यूम बनाने के लिए सॉल्यूशन में आप कितने ग्राम डालोगे। अब जनाब फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर या डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी आपके पास 1 ml है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 0.5 लीटर, नंबर ऑफ मोल मालूम करो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ मोल आपको 0.5 मिला। अब एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, तो आधा मोल 49 ग्राम, यानी आपसे जो मास एन ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मांगा था वो आपने बताया कि भाई 49 ग्राम 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को आप 500 ml पानी में डालोगे, तब जाके सल्यूशन की मोलारिटी 1 molar बनेगी, 1 m बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने मोलारिटी मालूम की, आपको मास एन ग्राम दिया गया था सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, यहाँ पे आपने मास एन ग्राम मालूम किया सॉल्यूट का, आपसे मोलारिटी और वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन था। तो बेटा कंसंट्रेशन मालूम करने का पहला केमिकल यूनिट मोलारिटी या मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा यूनिट कहलाता है मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। अब मोलैलिटी का डिफाइन करते हो तो कहते हो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किलोग्राम में सॉल्वेंट को आपने लेना है यानी मास के यूनिट में, सॉल्यूट आपने वही नंबर ऑफ मोल्स में लेने, तो ये आपकी मोलैलिटी बनेगी जिसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो। फार्मूले के हिसाब से मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला के हिसाब से जो यूनिट बना मोलैलिटी का वो बना मोल पर किलोग्राम। याद रखिएगा बेटा मोलैलिटी में चूंकि आप सॉल्वेंट ले रहे हो किलोग्राम में जो कि मास का यूनिट है, और मास पे टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता, वॉल्यूम को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घट जाता है, मास को टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता। तो ये भी अक्सर MCQ के तौर पे आता है कि भाई कौन सा कंसंट्रेशन का यूनिट है जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, तो मोलैलिटी वो यूनिट है जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। क्यों, रीज़न भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ मास लिया गया और मास टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ सेम रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आती, तो लिहाजा मोलैलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। अब एक प्रॉब्लम छोटा सा है मोलैलिटी पे कि भाई मोलैलिटी किसी सॉल्यूशन की मालूम करो, जब आपने सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम्स पानी के 250 ग्राम में डाले, सॉल्वेंट भी आपका मास में है, सॉल्यूट भी आपका मास में है, सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट आपको पता है 1 mole होता है 106 ग्राम, तो 53 ग्राम मीन्स 0.5 mole। इसी तरीके से आपको पता है कि 1000 ग्राम पानी होता है 1 kilogram बराबर, तो 250 ग्राम पानी हो गया 0.25 किलोग्राम के बराबर। मैंने डायरेक्ट लिखा है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से मुराद है 0.5 मोल और 250 ग्राम पानी से मुराद है 0.25 kg। ऊपर 0.5 नीचे 0.25, 1/1 ये 1 ये 2, तो ऐसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो बनी वो 2 m बनी। तो बेटा मोलैलिटी मालूम करने के लिए प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिए, मोलैलिटी मैंने आपको आज बता दी। चैप्टर नंबर 7 के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द हाइड्रेशन। बेटा हाइड्रेशन लफ्ज़ की अगर मायना की जाए, लफ्जी मायना, तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। यानी अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई द प्रोसेस बाय विच वी एड अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप किसी भी चीज़ में वाटर मॉलिक्यूल्स की एक मखसूस तादाद को जोड़ो, मिला दो, आप इस अमल को कहते हो हाइड्रेशन। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल सा, कि कॉपर सल्फेट में अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाएं तो इसकी कंपोजिशन CuSO4 5H2O बन जाती है। ये विदाउट वाटर एनहाइड्रस फॉर्म है कॉपर सल्फेट का, जब पानी इसके साथ जुड़ गया तो अब इसका नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो गया। पेंटा मींस 5, हाइड्रेट मींस वाटर, प्रोसेस आपका हाइड्रेशन कहलाता है। बेटा जी वाटर को कहा जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि बाय नेचर ये पोलर है और बहुत सारी चीज़ें तकरीबन दुनिया की तकरीबन हर चीज़ इसमें डिसॉल्व हो सकती है कम या ज़्यादा।
जब भी किसी सॉल्ट को, और सॉल्ट्स भी आपको पता है आयोनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं, पोलर नेचर के कंपाउंड्स हैं, जब भी किसी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो सॉल्ट उस वाटर में डिसॉल्व होते ही आयंस में टूट जाता है, कैटायंस बनाता है, एनायंस बनाता है। अब ये कैटायन और एनायन मखसूस तादाद में वाटर मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड कर जाते हैं, घेरा कर लेते हैं, जिस अमल को आप कहते हो हाइड्रेशन, यानी आयंस बिकम हाइड्रेटेड। Hydrated means they are being surrounded by a fixed number of water molecules. याद रखिएगा कि cations का size अपने parent atom से छोटा हमने पढ़ा हुआ है, anions का size अपने parent atom से बड़ा हमने ये भी पढ़ा हुआ है। cation size में छोटे होने की वजह से ज़्यादा तादाद में water molecules को attract करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि anion size में बड़े होने की वजह से उनके साथ water molecule निस्बतन कम तादाद में जुड़ते हैं। तो मैं अगर ऐसा कहूँ तो गलत ना होगा कि द टेंडेंसी ऑफ कैटायंस टू बी हाइड्रेटेड इज ग्रेटर देन द टेंडेंसी ऑफ एनायंस टू बी हाइड्रेटेड। ज़्यादा तादाद वाटर मॉलिक्यूल्स की कैटायंस को घेरा करेगी, कम तादाद एनायंस को घेरा करेगी। बहरहाल ये आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंड हो जाते हैं। फिर जब उस सॉल्ट के आयंस, कैटायंस और एनायंस आपस में रिकम्बाइन होते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, जब आयंस को दोबारा मिला के दोबारा से वो सॉल्ट बनाया जाता है, तो जितनी जितनी तादाद में कैटायंस और एनायंस उन आयंस के साथ जुड़े हुए थे, जितनी जितनी तादाद में वाटर मॉलिक्यूल्स उन आयन के साथ जुड़े हुए थे, वो ओवरऑल उस सॉल्ट के क्रिस्टल लेटाइस का हिस्सा बन जाते हैं। इस पूरे अमल को आप हाइड्रेशन कहते हो। तो जनाब कैटायंस में ज़्यादा टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ मिलाने की एनायंस की निस्बत, क्योंकि कैटायंस का साइज अपने पैरेंट एटम से छोटा। फिर कैटायंस एनायंस मिलके जब दोबारा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो वो पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन के क्रिस्टल लेटाइस में जुड़ जाएंगे, जिसको आप कहोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब लग गया सॉल्ट के साथ तो वो सॉल्ट अब कहलाएगा हाइड्रेट, और इस प्रोसेस को आप कहोगे हाइड्रेशन। बेटा ये चीज़ भी हमारी किताब की लाइन है और आ चुकी है एमकेट में, कि भाई किसी भी आयन की, फिर आयन कैटायन हो या एनायन हो, किसी भी आयन की हाइड्रेट होने की सलाहियत, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत उसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितना आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, उतना पानी का मॉलिक्यूल उसके साथ ज़्यादा जुड़ेगा, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है कैटायंस की, क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो चार्ज डेंसिटी ग्रेटर, टेंडेंसी टू बी हाइड्रेटेड ग्रेटर। ये कुछ हाइड्रेट्स की मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये एलम का फार्मूला है, K2SO4, Al2SO4, 324H2O, पोटेश एलम, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, ये कुछ आयंस के एग्जाम्पल्स हो गए। हाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात हो तो बेटा हाइड्रेट सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, आयोनिक नेचर के सॉलिड्स हैं, पानी में फ़ौरन हल हो जाते हैं। किसी भी हाइड्रेट को गर्म करोगे तो उसके साथ जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होगा वो निकल जाएगा, और वो हाइड्रेट दोबारा एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा विदाउट वाटर फॉर्म में। अब ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो कि इस हालत में हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका कलर होता है ब्लू, जब इसको हीट किया जाता है तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से अलग हो जाते हैं, ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर हो जाता है वाइट। तो ये यहाँ से आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो ब्लू कलर का था, जब इसमें से पानी निकल गया तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में वाइट या कलरलेस हो गया। अगला टॉपिक बेटा हमारा है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन के बाद अगला टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी पानी का टूटना, पानी को तोड़ना। और आपको पता है कि पानी टूटता है तो पानी में से H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब पानी को तोड़ा H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन में, अब जब आपने उस पानी में कोई भी सॉल्ट डाला तो सॉल्ट भी टूट जाता है कैटायन और एनायन में। अब वो सॉल्ट के जो कैटायंस और एनायंस हैं वो वाटर के H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, और आपको एसिड या बेस दोनों बना के देते हैं। एसिड भी बनता है, बेस भी बनता है उसी कंटेनर में। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बन गया, बेस वीक बन गया, तो पानी जो थोड़ी देर पहले न्यूट्रल हालत में pH 7 रख रहा था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी pH चेंज होके बिलो 7 चली जाती है। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग बन गया,
एसिड वीक बन गया तो पानी की पीएच 7 से अबव हो जाएगी, अबव 7 यानी ग्रेटर देन 7। दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि भाई पानी की पीएच को हमने चेंज कर दिया, 7 से या तो बढ़ा दिया या घटा दिया। अगर बढ़ गई पीएच 7 से तो बेस बन गया स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक। अगर 7 से पीएच पानी की घट गई तो एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस वीक। तो आप हाइड्रोलाइसिस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई हाइड्रोलाइसिस इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच सॉल्ट्स आर रिएक्टेड विथ वाटर सो एज टू प्रोड्यूस आइदर एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। हाइड्रोलाइसिस की चंद मिसालें अभी मैं आपको देता हूँ। बेटा हाइड्रोलाइसिस की चंद एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल में मैंने जो सॉल्ट लिया है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया। पानी सॉल्ट मिलाने से पहले अपनी पीएच 7 शो करता है। जब सॉल्ट पानी में मिलाया गया और सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन हुआ तो कंटेनर में हमारे पास HCl मिला जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला जो कि वीक बेस है। यानी सॉल्यूशन में डोमिनेंट रोल एसिड प्ले करेगा ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग नेचर। वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग नेचर होगी एसिड की, यानी पानी की पीएच जो थोड़ी देर पहले न्यूट्रल फॉर्म में 7 थी अब वो 7 से घट जाएगी, बिलो 7 हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका हाइड्रोलाइसिस हुआ। इसी तरीके से अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो डोमिनेंट रोल सॉल्यूशन में आपका बेसिक होगा। पीएच वाटर की जो थोड़ी देर पहले सॉल्ट डालने से पहले, सोडियम कार्बोनेट डालने से पहले 7 थी, अब वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अबव 7 चली जाएगी, 7 से बढ़ जाएगी। तो इसको भी आपका हो गया कि हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो हाइड्रोलाइसिस में या पानी की पीएच को आप 7 से घटाते हो, एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बेस वीक, या पानी की पीएच 7 से बढ़ जाती है क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एसिड वीक। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कुछ इस नोयत का सॉल्ट वाटर में मिला दो जिसके मिलाने के बाद एसिड और बेस दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग बन जाए या एसिड और बेस दोनों इक्वली वीक बन जाए। अब ऐसी सूरत में जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग बने या दोनों ही वीक बने तो याद रखिएगा पानी की पीएच जो 7 थी वो 7 ही रहेगी, ना 7 से ऊपर जाएगी ना 7 से नीचे आएगी। आप कहोगे कि भाई पानी की पीएच चूंकि चेंज नहीं हुई लिहाजा हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। बेहतरीन मिसाल, घर में आप नमक पानी में मिलाते हो, बेहतरीन मिसाल है सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में डाला NaCl को, पानी की पीएच सॉल्ट डालने से पहले 7 थी, आपने पानी में जैसे ही नमक डाला आपका HCl बना बतौर स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना बतौर स्ट्रॉन्ग बेस। अब चूंकि दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग नेचर की बनी तो वाटर की पीएच जो 7 थी वो 7 ही रही। जब पीएच में तब्दीली नहीं आई वाटर के, इसका मतलब ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा नटशेल में बेटा कंक्लूजन कि हाइड्रोलाइसिस से मुराद है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे और उसकी पीएच को 7 से या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। अगर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके पानी की पीएच को घटा या बढ़ा नहीं रहा, पानी की पीएच उतनी रह रही है 7, तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाता। सो हाइड्रोलाइसिस मींस अ रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर सो एज टू चेंज इट्स पीएच। तो ये बेटा आपका लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हमने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन की थी सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस में हमने फिर सॉल्यूट पढ़ा, हमने सॉल्वेंट पढ़ा, हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी, हमने कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़े, फिजिकल यूनिट्स, केमिकल यूनिट्स, केमिकल यूनिट्स में हमने मोलारिटी पढ़ी, हमने मोलैलिटी पढ़ी, हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, हमने हाइड्रेशन पढ़ा। ये आपका लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 का बेटा, इस यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आगे बात होगी नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन अल्लाह।